हेलो फ्रेंड, यूनिक यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे झींगुर, और कुछ लोग इसे झींगर भी बोलते हैं, और इसे इंग्लिश में क्रिकेट्स कहते हैं। ये गर्मी और बरसातों के मौसम में ज़्यादा पाया जाता है, और झींगुर ज़्यादातर नमी वाली जगहों में पाया जाता है। आज इनसे छुटकारा पाने का और घरेलू उपाय हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ घुंड, यानी कि इसे इंग्लिश में वीवर्स भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे सुरसुली कहते हैं, ये गर्मी और बरसात में पाए जाते हैं। ये हमारे खाद्य पदार्थों को दूषित यानी कि नष्ट कर देते हैं, और जैसे कि दाल चावल इत्यादि में ये लग जाते हैं, जिसे ये खाकर पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आज इनसे भी छुटकारा पाने का हम आपको घरेलू उपाय बताएंगे। तो इन दोनों इंसेक्टों से छुटकारा पाने के लिए, यानी कि झींगुर और वीवल्स यानी कि इसे घुंड भी कहते हैं, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए आज हम आपको बताएंगे घरेलू उपाय। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने हमारा यूनिक यू चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप हमारा यूनिक यू चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो अब चलते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं झींगर से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय। आप क्या करें, एक बड़े मुँह का बर्तन लें और उसके अंदर कुछ पानी डाल लें, फिर उसमें एक थोड़ा सा गुड़ डाल दें। उससे क्या होगा कि गुड़ की खुशबू से झींगर अट्रैक्ट होते हैं, और इसको उस जगह पर रख दें जिस जगह पर झींगर आते हैं, तो इससे वो अट्रैक्ट होंगे और उसके अंदर जंप लगा देंगे, और झींगर उसके अंदर फंस जाएंगे, बाहर नहीं निकल पाएंगे, और इससे झींगर से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, झींगुर से बचने का अगला उपाय है बग लाइट। वैसे तो घर की चकाचौंध लाइट को देखकर झींगुर आकर्षित होते हैं, जिससे झींगुर घर के अंदर घुस आते हैं। आप इसलिए पीली लाइट यानी कि इसे बग लाइट भी कहते हैं का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम लाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी वजह से झींगर घर के अंदर नहीं आएंगे। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो दोस्तों, अगला उपाय है बियर। जी हाँ दोस्तों, बियर की खुशबू झींगुर को बहुत पसंद होती है, इसकी वजह से झींगुर बियर की तरफ आकर्षित होता है। आप क्या करें, बियर की खाली बोतल लें और उसके अंदर एक चम्मच बियर छोड़ दें, जिससे झींगुर उसके अंदर घुस जाएगा और वो बाहर नहीं निकल पाएगा। इससे झींगुर अपना शोर करना भी बंद कर देगा। तो इस प्रकार आप झींगुर से छुटकारा पा सकते हैं। झींगुर से छुटकारा पाने के लिए अगला उपाय है बोरिक एसिड पाउडर। जी हाँ दोस्तों, आप क्या करें, बोरिक एसिड पाउडर लें और उस जगह पर छिड़क दें जिस जगह पर झींगर ज़्यादा दिखाई देती हो, या जिस जगह से झींगरों की आवाज़ आती हो। बोरिक एसिड पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो इंसेक्टों को मारने के और इंसेक्टों को भगाने में काफ़ी कारगर साबित होता है। तो ये थे झींगरों को भगाने के उपाय। तो दोस्तों, अब बताते हैं घुंड से छुटकारा पाने का घरेलू उपाय, यानी कि इसे इंग्लिश में वीवर्स भी कहते हैं, और कुछ लोग इसे सुरसुली भी कहते हैं। ये दाल और चावलों में लग जाती है। दाल और चावलों में लगने के बाद ये दाल और चावल को नष्ट कर देती है, उसे खाकर पाउडर में बदल देती है। अगर आपके चावलों में या दालों में घुंड लग गया हो और ज़्यादा संख्या में हो, तो आप क्या करें, सबसे पहले सूरज की धूप में इनको 2-3 घंटे के लिए सुखा लें, जिससे दाल या चावल के घुंड मर जाएंगे और भाग जाएंगे। तो दोस्तों, अब बताते हैं घुंड यानी कि वीवर्स से छुटकारा पाने का अगला तरीका। आप क्या करें, अपने चावल या दाल के डब्बों में कुछ तेजपात के पत्ते यानी कि बे लीव्स रख दें। बे लीव्स की खुशबू से इंसेक्ट उस जगह पर नहीं आते हैं, क्योंकि के तेजपात के पत्ते में इंसेक्टों को भगाने की क्षमता होती है। अब बताते हैं घुंड यानी कि वीवर्स से छुटकारा पाने का अगला तरीका। अगला तरीका है लौंग, यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लोव्स। आप क्या करें, अपने चावल या दाल के डब्बे में कुछ लौंग रख दें। लौंग की खुशबू से कोई भी इंसेक्ट उसके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वीवर्स उसकी खुशबू से बहुत दूर भागते हैं, और आपके चावल या दाल में कहीं पे भी वीवर्स लगे होंगे यानी कि घुंड लगा होगा, तो वो उस जगह से भाग जाएंगे। और इसके अलावा आप अपने दाल और चावलों को एयर टाइट डब्बों में ही रखें, ताकि उसमें मॉइस्चर ना आए, और मॉइस्चर की वजह से इंसेक्ट पैदा हो जाते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।